अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूँ मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। आज मैं आपके साथ जो है अपनी प्रोडक्टिव फुल मॉर्निंग रूटीन जो है ना, मॉर्निंग प्लस ब्रेकफास्ट रूटीन आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ, जो कि ऑलमोस्ट सब हाउसवाइफ्स की, जो हम मॉम्स हैं, इन सब की सेम ही होती है। और वो ये है कि सुबह उठते साथ ही जो है ना, फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम ये है कि किचन में आ जाना। और जिनके बेबीज़ छोटे हैं वो तो ये सोचेंगे कि आज क्या बना के स्पेशल खिलाया जाए। इवन बच्चे बड़े भी हो जाए ना, तो यकीन करें उनकी डिमांड्स और उनकी जो है ना वो मतलब ख़त्म ही नहीं होती कि आज हमने ये खाना है, आज हमने ये खाना है। तो वैसे ही रूटीन मेरी भी है। अच्छा, मैं जो है ना क्या करती हूँ कि सुबह फ्रेश होने के बाद अपनी जो है मॉर्निंग स्किन केयर क्या है, अच्छी तरह हाथ मुँह धो लिया फेस वॉश से और विटामिन सीरम लगा लिया, देन अगर कोई क्रीम वगैरह अप्लाई करनी हो तो वो किया, और उसके बाद फिर मैं सनब्लॉक अप्लाई करके किचन में आ जाती हूँ। और आते साथ ही ना सबसे पहले मैं दूध के ऊपर से जो बलाई वगैरह होती है ना वो उतारती हूँ, क्योंकि फिर जब दूध इस्तेमाल होता है ना तो फिर नहीं उतारी जाती, सेपरेट नहीं की जाती। अच्छा, ये है कि मेरी रूटीन में ना एक चीज़ ऐड है, वो ये है कि सुबह ना मेरे हस्बैंड खाना वगैरह बनवा के लेके जाते हैं। एक तो उन्होंने खाना होता है दोपहर का जो है ना वो खाना, और उसके अलावा उनके ऑफिस में कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वो सब मिल के ना खाते हैं। तो बस मैं आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए, अपने हस्बैंड का भी बनाऊंगी, साथ ही जो पैक करके देना होगा वो भी बनाऊंगी। अच्छा, आज ना ये वीकेंड था तो बच्चों ने तो स्कूल जाना नहीं था, और ऐसे है कि रात को ना मैंने आलू चिकन का सालन बनाया था, तो मुझे कह रहे थे कि ना साथ में थोड़े से तड़के वाले चावल भी बना देना, ज़रा इस तरह का शोरबे वाला सालन हो ना, तो आपको पता है उसके साथ चावल वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। अब रात को जो मैंने बनाए थे वो तो ख़त्म हो गए थे, तो बस मैंने सुबह उठते साथ ही सबसे पहले चावल बनाए, जो आपको साइड पर पतीली बड़ी नज़र आ रही है, यहाँ तक जो है ना मैंने चावल वगैरह बना के रख लिए थे, उनको मैंने दम लगा दिया था। दूसरी तरफ मैं पराठे वगैरह वो सब रेडी कर लूँगी, हस्बैंड का नाश्ता रेडी कर लूँगी। और ऐसा है कि यकीन करें अब जब मैं सुबह उठती हूँ ना, बच्चों को जैसे अब नाश्ता वगैरह बना के दिया, साथ ही फिर हस्बैंड का बारी आ जाती है, उनको नाश्ता बना के पैक करना जो होता है वो सब करके देती हूँ, तो ये काम करते कराते जो है ना अच्छा खासा मुझे किचन में टाइम लग जाता है। और अब मुझे अंदाज़ा होता है जिनकी जॉइंट फैमिली है, जिनके घरों में जो है वो अच्छा खासा माशाल्लाह इहतमाम होता होगा, तो वो तो यकीन करें उन हाउसवाइफ्स की, उन लेडीज़ की हिम्मत है। खैर, यहाँ पे जो है ना, अच्छा ऐसा होता है कि कभी मैं मतलब ज़्यादातर मेरे हस्बैंड जो है ना वो शौक से सालन ही लेते हैं सुबह मॉर्निंग में ना। अब कभी सालन अगर ना उनकी पसंद का, या ऐसा सालन ना हो जो उनका मूड ना हो, तो बस फिर कभी ना मैं इस तरह नमक मिर्च वाला जो है ना वो ऑमलेट बना के दे देती हूँ। तो उनके लिए आज मैं ऑमलेट बना रही थी। और ये तो सिर्फ जो है ना मॉर्निंग रूटीन है जिसमें ब्रेकफास्ट रूटीन में आपको दिखा रही हूँ, यकीन कहें बिहाइंड द कैमरा इतना कुछ हो रहा होता है ना। जैसे अब सुबह उठते हैं ना हस्बैंड, तो साथ ही मुस्तफ़ा भी उठ जाता है और मिनाहिल भी उठ जाती है जिस दिन छुट्टी हो उसको, अदरवाइज़ तो वो फिर स्कूल होती है। और हसन शहान ऐसा है कि वो अभी घर पे ही हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको हमने करवाना है हिप्स, तो बस फिर उनके जो है ना क्लासेस स्टार्ट होनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से, तो मुझे ना उनकी थोड़ी हेल्प हो जाती है कि वो मुस्तफ़ा को देख लेंगे या छोटे मोटे काम कर लेंगे। वैसे जब बच्चों को छुट्टी हो ना तो यकीन करें बड़े बच्चों को उठाना ही जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह बना के हस्बैंड को दे दिया था, वो नाश्ता कर रहे थे, यहाँ चावल भी रेडी हो गए थे, इनका मैंने दम खोल लिया था और इतने माशाल्लाह अच्छे खिले खिले से जो है ना वो चावल बने थे, और थोड़े ही बनाने थे, ज़्यादा नहीं बनाने थे। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन हटा के रखूँगी कि जो स्टीम है ना वो निकल जाए, फिर मैं इसको पैक कर लूँगी। मीनवाइल मैं क्या करूँगी कि जो सालन है ना वो मैं गरम कर लूंगी। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि डिस्पोजेबल में रखा हुआ है, ऐसा है कि हस्बैंड ना डिस्पोजेबल बॉक्सेस लेके जाते हैं ताकि वो वापस लाने वाली झंझट ना हो, यूज़ किया और वहीं फेंक दिया। तो बस मैं रात को जितना सालन पैक करना होता है ना मैं उसी बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ ताकि मॉर्निंग में मैं निकालूँ और उसी को जो है ना हीट अप करके तो फिर बॉक्सेस में रीफिल कर दूँ। अच्छा, चाय ऐसे है कि मैं ना सबकी इकट्ठी रख देती हूँ, क्योंकि फिर ख़ुद भी पीनी होती है, हस्बैंड ने भी, बच्चों ने भी, तो वो एक दफ़ा बन जाती है ना, फिर चाय का बार बार बनाने की टेंशन नहीं होती है। यहाँ तक फिर मैंने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह पैक करके दिया, वो चले गए हुए थे ऑफिस, साथ ही फिर मैंने बच्चों को उठाया, मैंने कहा मैं किचन में लगी हुई हूँ ना तो आप लोग भी उठ जाओ ताकि आप लोगों को भी जो है ना मैं वो नाश्ता दे के तो फिर मैं फ्री हो जाऊँ। अच्छा, बच्चों का ना मूड जो भी होता है वो एक रात पहले उनसे पूछ लेती हूँ कि सुबह पराठे खाने हैं, ब्रेड खाने हैं, जो भी खाना होगा ना, बन खाना है जो भी, वो
फिर मुझे रात को बता देते हैं और मुझे पता होता है कि उन्होंने नेक्स्ट डे ना क्या खाना है। तो आज उनका मूड था बस ब्रेड खाने का, तो मैंने उनके लिए ब्रेड गर्म कर ली। और मेरे बच्चों को पसंद है जो बहुत मतलब ऐसे थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाती है ना ब्राउन करके ब्रेड, उस तरह की ब्रेड जो है ना वो लाइक करते हैं। तो बस ये सब चीज़ें ना मैं रात को ही उनसे पूछ लेती हूँ, जैसे अगर स्कूल उन्होंने जाना है तो क्या लंच लेके जाना है, क्या चीज़ लेके जानी है, वो सारी चीज़ें जो है ना मैं एक रात पहले डिसाइड कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम वैसे ही इतनी वो एक भाग दौड़ सी लगी होती है, तो यकीन करें फिर इस तरह ना अगर ये सोचने बैठो ना कि क्या लंच बनाना है, क्या ब्रेकफास्ट बना के देना है, तो फिर इंसान जो है ना बाकी काम नहीं कर सकता। और जैसे अब छोटा साथ मेरे होता है, मुस्तफ़ा साथ होता है, तो ज़ाहिर है आपको पता है जो छोटे बच्चों की मदर्स हैं वो तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि बच्चों के साथ जो है ना यकीन करें या तो कोई काम करने लगो या खाना खाने लगो ना, तो उनको तो याद आ जाता है कि उन्होंने जो है ना अपना कार्रवाई दिखानी है। तो मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि खाना खाने बैठो या कोई काम करने लगो ना, तो बस फिर मुस्तफ़ा जो है ना कोई कार्रवाई डाल देता है और मेरा जो काम है ना वहीं पर उसको ब्रेक लग जाती है। अच्छा यहाँ जब मैं ना नाश्ता बना के आई ना रूम में, तो ये इतना मज़े का लग रहा था ना लेटा हुआ, पहले मुझे नहीं पता चला ये क्या कर रहा है, फिर जब मैं इसके पास आके बैठी ना तो ये लगा हुआ था अपने वो आवाज़ें निकालने और इतना माशाल्लाह क्यूट लग रहा था ना। अच्छा ऐसा होता है आजकल ना फ़ैन वगैरह ऑन होते हैं, तो यकीन करें कि अगर मतलब वॉइस ओवर ना किया जाए ना ओरिजिनल वॉइस रहे तो अपनी आवाज़ से ज़्यादा तो पीछे यकीन करें फ़ैन की या एसी कूलर की आवाज़ें ही आ रही होती हैं। खैर यहाँ तक बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह दे के ख़ुद भी नाश्ता करके मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई किचन में बर्तन वगैरह धोने के लिए और बस कुछ किचन की जो चीज़ें हैं ना वो इधर उधर कर रही थी। बस मैं ना यकीन करें टाइम टू टाइम जो है ना अपनी कन्वीनियंस देख के अपने किस तरह से कौन सी चीज़ मैं कहाँ रखूँ तो ईजी रहूँगी, थोड़ी बहुत मैं सेटिंग चेंज करती रहती हूँ क्योंकि किचन बहुत छोटा है ना, तो चीज़ों को बड़ा मुश्किल से जो है ना मैंने मैनेज करना पड़ता है। मीनवाइल जो है इतनी देर में मैंने कहा मैंने बर्तन धोने हैं, टाइम यहाँ पे लगाना है, मैं साथ ही साथ आज मुझे पता था मैंने दाल बनानी है, मैंने डिसाइड किया हुआ था, तो बस फिर मैंने दाल भी चढ़ा दी। और यकीन करें जब मेरे पास काम ज़्यादा हो ना, मतलब मुझे पता हो कि आज थोड़ा मुश्किल दिन है, काम मेरे पास और भी बहुत है, तो मैं तो यही बस मूंगी मसर की दाल बना लेती हूँ, बस इसमें मसाले वगैरह डालो, पानी डालो और इसको चढ़ा दो, यकीन करें आधे घंटे में जो है ना खाना बन के रेडी हो जाता है। और दाल वगैरह बनी हो ना तो फिर मेरे बच्चे चावल लाजमी लेते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं होती है, वो बस साथ साथ जो है ना वो बन ही जाती हैं। तो दूसरी तरफ ना मुस्तफ़ा के फीडर्स काफ़ी दिन हो गए थे मैंने स्टेरलाइज नहीं किए थे, तो बस यहाँ पे ना मैं कोशिश कर रही थी कि शायद दोनों फीडर्स आ जाएंगे लेकिन नहीं आ रहे थे, तो बस फिर मैंने एक एक करके फीडर डाला और जो इसके कैप्स वगैरह इन सबको ना स्टेरलाइज कर लिया। कोशिश करती हूँ कि वीक में ना दो दफ़ा तो लाजमी कर लूँ, कभी कभी नहीं याद रहता या नहीं मौका मिलता तो एक दफ़ा तो मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह वो इस एज में है कि फीडर पकड़ के इधर उधर फिरता रहता है, कहीं पे भी फेंक देता है, तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि मुझे दो तीन और भी काम थे, तो बस वो भी साथ साथ मैं कर रही थी। बर्तन यहाँ मैं धो के सारे फ्री हो गई थी और ये रोटी वाले रुमाल थे ये धोने वाले रह गए थे, तो बस इन्हीं को जो है ना, ये वाला तो इतना गंदा नहीं था, दूसरा जिससे मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना जिससे रोटी सेकती हूँ वो उसकी बहुत बुरी हालत थी, तो बस उसको जो है ना ज़्यादा मैंने धोना था, साथ ही मैंने इसको भी डाल दिया, इसके ऊपर थोड़े से ना सालन गिरा था कहीं तो उसके स्टेन थे। और इस तरह गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ़ डाल के यकीन करें इनको अच्छे से पकने के लिए रख दो, इतने ईजिली इनके जो स्टेन है वो सब रिमूव हो जाते हैं और बड़ी जो है ना ये साफ़ सुथरी सी हो जाती है। मैं तो हमेशा इसी तरह करती हूँ। और ये जो मैंने बोतल में लिक्विड डाला है ना, ये काला तेल था, ये बस हल्का सा मैंने इसके ऊपर डाला है, सारी ग्रीस यकीन करें सारी जितनी भी इनके ऊपर स्टेन्स वगैरह होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं और बड़ी अच्छी बिल्कुल न्यू जैसी जो है ना ये रोटी के रुमाल बन जाते हैं और बड़े अच्छे फ्रेश से रह जाते हैं। स्पेशली अगर जो अच्छी क्वालिटी के हो ना, जो थोड़ी लो क्वालिटी के होते हैं उनका तो बस रंग ही निकल आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने रोटियाँ वगैरह रखने के लिए यूज़ करने हैं ना वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी के हो ताकि चार दिन चल जाए। बाकी जिससे रोटियाँ सेकनी होती हैं ना वो बस मैं थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी के ले लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब डेली बेसिस पे रोटियाँ उससे सेकी जाती हैं ना तो वो सेंटर से अजीब से बर्न से हो जाते हैं, जैसे आपको ये ब्राउन वाला नज़र आ ही रहा होगा। ये मैंने स्पेशल इसीलिए रखा हुआ है कि इससे ना मैं सिर्फ रोटियाँ बनाती हूँ। फाइनली जो मेरा किचन है ना वो सारा क्लीन हो गया था, बर्तन मैंने सारे धो लिए हुए थे, जो ब्रेकफास्ट के थे सारे बर्तन वो धुल गए थे, खाना मेरा रेडी था, बस इस साइड पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा, दूसरी तरफ दाल रखी थी, बस अब एक काम मेरा रह गया था और वो थे चावल बनाना। तो चावल वगैरह मैं अब बना लूँगी और वो इतना टाइम भी नहीं लगता, आपको पता तड़के वाले चावल तो बस फटाफट से बन जाते हैं। अच्छा हमारे घर में ना तड़के वाले चावल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं बनिस्बत वाइट राइस के।
किचन का काम मेरा डन हो गया था, अभी मेरे पास फ्री टाइम था क्योंकि खाना वगैरह मैंने बना लिया था और अब बच्चों को जब भूख लगेगी उनको खाना बना के दे दूंगी। यकीन करें खाना बना होना तो लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। बस ये लास्ट में एक ड्रेस रह गया था जो अभी तक नहीं सिला था, तो इसको मैंने कंप्लीट करना था और बस मेरी कोशिश थी कि मैं अपने सारे काम कंप्लीट करूं और एक ही सिटिंग में बैठ के ना अपना मैं ये ड्रेस कंप्लीट कर लूं। तो वही मैंने किया, सारे काम ख़त्म किए, ड्रेस वगैरह कंप्लीट किया और अब तक जो है ना मुझे तो यकीन करें मेरी बस हो गई थी। तो मैंने अपने लिए यहाँ बनाई चाय और मैं करूँगी चाय इंजॉय। और यहाँ पे ना मुस्तफ़ा के नैप टाइम भी हो गया था तो वो भी सो गया हुआ था। और यहाँ तक मेरी रूटीन थी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ ना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। और नीचे मैंने इसलिए मुस्तफ़ा को लिटाया क्योंकि ये कमरा बहुत गर्म होता है, मैट्रेस बहुत गर्म होता है, तो आप देख ही सकते हैं हर तरफ से धूप आती है तो ऐसे